वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना रिंकू पहाड़ी। और नहीं भाई, ये नॉर्मल खांसी है। ये देखिए, यहाँ पे आज पराठे बनाए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है अभी घर निकल रहे हैं आज शाम को। लाइट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे लाइट नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो है MCB का जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है, इस वजह से दिक्कत है। बाबा बाहर चलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। फाइनली अपना हमारा पास आ चुका है और हम अभी घर जा रहे हैं शाम को कैब से। हमने सोचा यार कि घर जाएंगे तो होटल कहीं पे खुले होंगे नहीं, शायद खुले होंगे तो शायद वहाँ जाना ठीक रहेगा नहीं, तो सोचा कि घर में कुछ पराठे वगैरह बना लेते हैं क्योंकि आलू पड़ा था, प्याज पड़ा था, आटा पड़ा था अपने पास, फेंकने से बढ़िया एक बनाए लेते हैं, हमने कहा काम आएगा अपने। और बहुत सारे लोग मुझे अब बोलते हैं YouTube पे कि भाई YouTube पे वीडियो बनाना सही है कि नहीं है, और कई सारे मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि मैं अपना खुद का चैनल बनाऊंगी या बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे कुछ सजेशन टिप्स दीजिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यार आप YouTube पे जो है वीडियोस बनाइए, ठीक है, अपलोड कीजिए वीडियोस। आपको मतलब झिझक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि मैं ये सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कम मत सुनो लाइफ में कि यार मुझे वीडियोस वगैरह डालना चाहिए। आप चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, आपका कुकिंग में आपका है, आप मतलब किसी भी आपका एक क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आप पैशन है आपका कि मैं इसमें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ बेस्ट, सो करो उसको। और अभी जो है टाइम है, सही वक्त है जब लोग घर पर बैठ के आपका जो है चैनल देख सकते हैं और आपको एक अच्छा जो है इंगेजमेंट और आपको अच्छा एक सब्सक्राइबर आपको मिल सकते हैं। ओके, सो अपना जो है पैशन फॉलो करो, यूट्यूब पे अपना वीडियोस डालो, दिक्कत होती है भाई को बोलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। 15 से 20 दिन हमको क्वारंटाइन में रख सकते हैं, होम क्वारंटाइन में, अच्छी बात है घर से दूर, ताकि हम जो है घर वालों के कॉन्टेक्ट में ना रहे, पहाड़ों के जो लोग हैं उनके कॉन्टेक्ट में उतनी जल्दी ना आ पाए, क्योंकि भाई बीमारी ही ऐसी है, क्या कर सकते। जो हमारा जिला है चमोली जिला, कैरसन का हूँ मैं, आपको पता होगा, तो नहीं है तो बता देता हूँ, मैं गैरसैन से बिलोंग करता हूँ। गैरसैन जो उत्तराखंड की समर कैपिटल है, समर कैपिटल है। ओके, और तुम कितने बैग ले जा रहे हो? हाँ जी, हैं बैग कितने ले जा रहे हो? बैग एक ही तो ले जाऊँ, मेरे दो बैग हैं वहाँ पे सामने, और अभी देखते हैं कि कैसे एडजस्ट होगा, बट पहले तो अपनी जान है तो शायद एक ही बैग ले जाऊँगा, एक कहीं एडजस्ट कर दूंगा, दिन में या शाम तक कल पहुँच सकते हैं, क्योंकि सुना है कि रामनगर जो हमारे रास्ते में पड़ता है, रामनगर गैरसैन जाने के लिए, तो मोहान में काफ़ी ट्रैफिक है, बहुत सारा वहाँ पर चेकिंग हो रहा है, तो शायद उसमें 4 से 5 घंटे ऐसा सुनने में आ रहा है कि लग सकता है। तो फिलहाल जस्ट ये अपडेट देना था कि मैं जो है घर निकल रहा हूँ, तो शायद मेरी जर्नी जो है आई डोंट नो कैसी होगी, फिलहाल तो जाने की है। हमारी कैब बाहर खड़ी है और शायद मास्क की वजह से मेरी आवाज़ प्रॉपर आ नहीं रही, तो सॉरी उसके लिए। सो भाई अभी फाइनली जो है ये NH 24 हाईवे मेरे पीछे है, जो कि दिल्ली से मेरठ कनेक्ट होता है, और आप देख सकते हो पीछे कितना सारा यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है रोड पे। सामने हमारी कैब खड़ी है, वहाँ पे गाड़ियाँ बैठ चुके हैं अभी, और हम अभी अपने गैरसैन की तरफ को निकल रहे हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग, अभी हम लोग जो हैं नौगांव में पहुँच चुके हैं, और ये देखिए हालत कैसे हो जाती है, ये अभी हैं अभी भाई हमारे, और ये हमारे चाचा जी पीछे देखिए बुरी हालत हो रखी है, तो जैसे तैसे करके हम लोग भी रामनगर से आए हैं, अभी चाय वगैरह पीते हैं कुछ, क्योंकि चाय भी थोड़ा ज़रूरी है एनर्जी के लिए। सो फाइनली हम लोग अभी जो है पहुंच चुके हैं अभी भराड़ी सैनी, यार ये नौगांव है, यहाँ पे हम चाय पीने के लिए पहुँचे हैं, आप देख सकते हो हालत कितनी बुरी है, और ये हमारे ड्राइवर जी हैं जो अभी 2 नंबर जा रहे हैं, हम लोग चाय का वेट कर रहे हैं और देखते हैं कब तक बनती है चाय। और चाचा जी कैसे लग रहा है आपको, कैसे चिता रहे हो आप? अच्छा चिता रहे हो, चाय तो अभी मना कर रहा हूँ, चाय मना कर रहा हूँ, चाय नहीं बनेगी बोलता है, चाय थोड़ी देर में बनेगी बोलता है, मैंने कहा बना भाई इतनी दूर से आए, हम दिल्ली से आए चाय पीने के, पीछे चाय बन रही है गर्मा गर्म, और हम लोग चाय का वेट कर रहे हैं, और देखो कुत्ता बंदर के जा रहा है अभी, बोलो। अभी कह रहा था मेरी फ़ोटो मत निकालना क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो, अभी उल्टी हुई तेरे को? नहीं, उल्टी होने के चांस थे ना तेरे को, तू कह रहा था उल्टी होगी, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? नहीं, गोली खाई थी क्या? हाँ, नहीं होता पहाड़ में उल्टी, बाकी गोली गोली खा के रखो और ज़्यादा गंदगी मत फैलाओ। सो अभी हम लोग कम से कम आधा घंटा जाम में फंसे थे, चौकुटिया से पहले है, और जगह का नाम तो पता नहीं लेकिन चौकुटिया से पहले ही है, कम से कम 10-12 किलोमीटर पहले, मतलब इतना जाम कि इतना ट्रैफिक कह सकते हो पूरा फंसा पड़ा है,
जैसे आपने देखा होगा शहरों में होता है ट्रैफिक, वैसे यहाँ पे एकदम जाम बड़ा खुला है। कुछ जाम जिस वजह से जाम लगा था वो काम होने के बाद भी गाड़ियों का जो मतलब होता ना मूवमेंट एक लेफ्ट से राइट, वो उसका भी बहुत उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा जाम हो गया था। आप देख सकते हो पूरी गाड़ियाँ निकल रही, कम से कम 200-250 बाइक कैब आई है दिल्ली से, सब फंसी पड़ी यहाँ पे अभी जाम में। अब थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया है, देखिए निकल रही है गाड़ियाँ, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। DL रामनगर से आते हुए, दिल्ली से आते हुए हम लोग इतने थक गए थे कि हमने सोचा थोड़ा सा मच्छी मार रहे हैं यहाँ पे, और पानी भी यहाँ पे एकदम शुद्ध था, जो कि मतलब आप देख ही सकते हो पीछे, देखिए ये लोग मच्छी मारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मच्छी वगैरह कुछ मिल नहीं रही है। अब देखते हैं, घर जाना पड़ेगा, मच्छी नहीं है तो क्या करें। बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, देखो पानी इतना साफ पानी है, और मच्छी खाते हैं गाँव में पहाड़ में। ये हमारे भाई साहब जो हमारे हमको लेके आए दिल्ली से यहाँ तक, सुबह सुबह मच्छी के दर्शन तो हुए नहीं, अब देख लगता है घर में जाके हमें एक ऐसा क्वारंटाइन के दर्शन होंगे, होम क्वारंटाइन जिसको बोलते हैं। आप देखिए पीछे मतलब कितना सुंदर है अपना पहाड़, यहाँ आने के लिए हर पहाड़ी जो है अभी तरस रहा है क्योंकि गाड़ी मिल नहीं रही है। तो चलते हैं अभी घर, और क्वारंटाइन करेंगे ना तो मुझे पहले छोड़ देना। हाँ हाँ, मुझे क्वारंटाइन की जरूरत तो मिल जाना। ठीक है सर, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद हम लोग फाइनली जो है अपने क्वारंटाइन सेंटर में है, जहाँ पे मैं हूँ अभी वो अपना क्वारंटाइन सेंटर है, गैरसन में ही है, कोई डिग्री कॉलेज करके है पॉलिटेक्निक का, वहाँ पे है अभी। और बाकी यहाँ पे कम से कम 150-200 लोग, रामनगर में काफ़ी ट्रैफिक था, हमको वैसे 4-5 घंटा वहाँ पे लगा नहीं, वहाँ पे हमारा एक घंटे में ही सारा मतलब निपट गया था। गाड़ियाँ बहुत थी फिर भी हमने कैसे भी करके अपनी गाड़ी को आगे निकाल दिया। हम लोग काफ़ी मतलब बीच में मैं शूट भी नहीं कर पाया था क्योंकि काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा करना था, और मेरी आवाज़ भी कम है क्योंकि यहाँ पे सब लोग सोए हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊं यहाँ की क्वारंटाइन की। बाकी यहाँ पे फिलहाल तो सारा अच्छा है, तो ढेर सारा प्यार दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें, और मुझे प्लीज़ 10K तक पहुँचा दें यार, बहुत ही कम नंबर चाहिए, आई थिंक 400 के आसपास चाहिए 10K के लिए, 10,000 सब्सक्राइबर के लिए। तो अगर आप वो कर देते हो तो थैंक यू सो मच, और कीप वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे होम।